I'm at the Apple Mandi in Sopore. This is Asia's largest Apple Mandi. On any given day in normal situations, 1,000 trucks take apples from this Mandi and go to other Mandis across the country in the apple season, harvesting season. But this time around, the Mandi is closed. People here tell us that this is for the first time that the Mandi has been closed. There were cycles of unrest in the past, like 2008, 2010, 2016, but never was the Mandi closed completely like it's happened now. Now, the government has introduced a scheme where they will be procuring the apples directly from the farmers through a nodal agencies. What are the farmers going to say about it? So far, after 2 days of its launch, just four farmers have registered themselves in this Mandi. We spoke to one of the fruit growers. This is what he had to say. ये जो नई स्कीम आई है इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि रेट ठीक रहेगा, बाहर भी मंडियों में ठीक रहेगा, क्योंकि बाहर की मंडियों से वो मजबूर है रेट देने के लिए। इससे फायदा रहेगा, ग्रोवर को फायदा रहे आएगा इससे। आप भी एक ग्रोवर हो, आपको क्या फायदा होगा? मेरे को ये फायदा होगा कि माल मेरे सामने बिकेगा, एक नंबर होगा एक नंबर रेट आएगा, दो नंबर होगा दो नंबर रेट आएगा, तीन नंबर होगा तीन नंबर रेट आएगा। जो ये रेट फिक्स हुए हैं ये क्या माकूल रेट है? ये माकूल रेट है जो ये बता रहे हैं, ये माकूल रेट है। तो आपको किस चीज़ का अंदेशा है? अंदेशा ये है कि पैसा हमको मिलना चाहिए टाइम पर, ये बोलते हैं 24 घंटे, हफ्ते में तो कम से कम मिलना चाहिए। तो आपने फैसला किया आप इन्हीं को अपना माल दोगे? मजबूर है, हम क्या करेंगे, 200 पेटी कहाँ हम भेजेंगे? अगर 200 पेटी इस वक्त तैयार होगा, 300 पेटी तैयार होगा, 400 पेटी तैयार होगा, तो वो भेजना ही इधर ही भेजना है। हमने काम किसी के साथ बाहर नहीं किया, एडवांस लाते हैं लोग, हमने एडवांस नहीं लाया है। At the moment, there is not much activity in this Mandi. We're told just 40 trucks basically carry the apples from this Mandi to other parts of the country. And this Mandi is basically used as a parking lot for those trucks because they go to the orchards directly, pluck down the apples and then load them onto their trucks and carry them out. Now, these truck drivers who are a major element in this entire chain are very much disappointed at the moment. They say that they are suffering. We spoke to some of the truck drivers and this is the reaction that we got. Kanam Rugaram. Rugaram ji, din ko kitne truck nikalte hain yahan se? Yahan se to 25-30 truck loading karne jaate hain subah se shaam tak. Har din? Har din. Halanki mandi to band hai. Mandi ke andar nahi, bahar se loading chalu hai. To पहले जब हालात ठीक थे उस वक्त कितने ट्रक जाते थे, अब कितना फर्क पड़ा है? 100 जाते थे पहले, तो 100 लोड होकर निकलते थे, अभी कम पड़ गया है। हाँ जी, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या आ रही है? मुश्किल यही है, मंडी के अंदर माल आ नहीं रहा है, बाहर से लोडिंग चालू है। तो आपको क्या दिक्कत आ रही है सबसे ज़्यादा? हमको तो ये है कि मंडी के अंदर से लोडिंग वो तो सही रहता है, बाहर तो प्रॉब्लम ही है। तो मंडी तो बंद है यहाँ, जो हम देख रहे हैं यहाँ तो है नहीं, बाहर से ही जो लोड होगा वो बाहर से ही होगा। अब देखो पुलिस वाले बाहर जाते हैं, पुलिस वाले परेशान करते हैं, लोकल आदमी से परेशानी रहती है। हाँ। क्यों, बाहर तो छोटी छोटी जगह पे जाना पड़ता है, वहाँ गाड़ी जाती नहीं है। तो आपको कितने दिन यहाँ पे वेट करना पड़ता है? हमारे पास 6 दिन हो गया है। तो 6 दिन से आप वेट कर रहे हो, गाड़ी खड़ी है? हाँ जी। आप बताओ आपको क्या दिक्कत है? हमारा को मंडी अंदर माल आता नहीं है, है? बाहर जाना पड़ता है, बाहर छोटी जगह ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घूमती नहीं है, है? और पत्थरबाजी भी डर लगता है, मतलब हो सकता है, कभी भी हो सकता है, नहीं हो सकता है और हो भी सकता है, इसलिए बाहर जाने में घबराते हैं। आप क्या करते हो फिर? बैठे हैं, क्या करें, ड्राइवर हैं, गाड़ी लोड होता नहीं, बैठे हैं। फाइनली इज दिस new scheme going to help farmers? Is it going to benefit farmers? Too early to say. Now there are mixed responses that are coming in. People say it might benefit those who are selling C grade apples, but not much for the ones who are selling A and B grade apples. That's what will be seen in the future, what's going to be its impact on the farmers. And also the other question, is it going to be just a one-off event, or the government will continue the scheme year after year? Now this all depends on the success of this scheme launched this year and the responses that apple growers and farmers across the valley will give. For the moment, the fact is that 75% of the apples
that are produced in the country come from Kashmir, and Kashmir is really a big industry as far as apples are concerned, the horticulture industry, really the backbone of Kashmir's economy.